हेलो, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू गुड। सो आज हम बनाने वाले हैं स्पाइरल प्लांट हैंगर। तो उसके लिए मैंने ये 2 इंच का वुडन रिंग लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्टील रिंग भी ले सकते हैं। तो मैं इस कॉर्ड से बनाने वाली हूँ। ये 3 mm कॉर्ड है, ऑफ वाइट कलर का। आप कोई भी कॉर्ड यूज़ कर सकते हो, 3 mm, 4 mm, ब्रेडेड, सिंगल स्ट्रैंड और अदर कलर, वॉट एवर यू हैव। तो इसके मैंने 8 कॉर्ड कट्स किए हैं, ईच कॉर्ड 5 मीटर। ओके, सो सबसे पहले हमें एक कॉर्ड लेना है और इसको मैंने सेंटर से हाफ कर लिया है। देन हमको लार्क हेड नॉट लगानी है। सेम इसी तरीके से हम एक कॉर्ड और लगाएंगे। सो इसके बाद हमें ये वाला कॉर्ड लेना है और हमें डबल हिच नॉट लगानी है, लाइक दिस। अगर आपने बेसिक ट्यूटोरियल अभी नहीं सीखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, आप वहाँ जाके सीख सकते हो। ये हम यहाँ पे लगाएंगे डबल हिच नॉट। नौ जो हमारी रिमेनिंग कॉर्ड्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, रिवर्स लार्क हेड नॉट। तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे पकड़ना है बैक साइड से, इसको बैक साइड से लाना है और यहाँ से इसको निकालना है। जब हमें लंबी कॉर्ड्स के साथ में काम करना होता है ना, तो ऐसे ही पूरा मैसी हो जाता है। तो थोड़ा बहुत अनईजी फील होता है नॉट्स बनाने में, क्योंकि कभी कभी उलझ भी जाता है, पर इट्स ओके। तो अगर आप बेसिक नॉट्स जानते हो और आप छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुके हो तो ही आप कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट ट्राई कीजिएगा। तो मैंने सारी कॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट कर ली हैं। इसमें जो मेन वर्क होगा वो डबल हिच नॉट का ही होगा मेन। उसके बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसको बिल्कुल टच करते हुए डबल हिच नॉट लगानी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको बनाने से पहले आप बेसिक नॉट्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
फिर भी मैं यहाँ पे आपको फिर से बताती हूँ। तो ये हमारी मेन कॉर्ड है और हमें इस कॉर्ड से डबल हिच नॉट लगानी है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इस कॉर्ड को हम यहाँ से निकालेंगे। जब आप इसको यहाँ से निकालते हो तो जैसे हम गीठा लगाते हैं वैसे नहीं करना है, आपको स्लोली स्लोली इसको इस पर मूव करना है इस तरीके से। तो जब आप मूव करोगे तभी यहाँ पे ये राउंड आएगा। सेम इसी प्रोसीजर से हमें फिर से करना है। जब आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली करते हो तो धीरे धीरे फिर आपकी उसमें थोड़ी स्पीड आ जाती है। लास्ट कॉर्ड बची है, इसको भी हमें सेम यही करना है। सो अब हमें क्या करना है, अब हम जब अगेन डबल हिच नॉट करेंगे तो हमें इससे पूरा टच करते हुए नहीं चलना है, हमें थोड़ा सा अब इसको इस तरीके से करना है स्लैंटिंग। तो धीरे धीरे ये दूर होता जाएगा और यही सेम चीज हम कंटिन्यू करेंगे। सो सी, अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा हो गया है। इसको आप चाहो तो कितना भी लंबा बना सकते हो, ये डिपेंड करता है कि हमने कॉर्ड कितना लिया था। ये हमने 5 मीटर लिया था ईच कॉर्ड, सो इसमें इतनी लेंथ
बन पाई है। लेकिन अगर आप और लंबा बनाना चाहते हो ये स्पाइरल, तो फिर आपको थोड़ा और लंबा धागा लेना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया है और थोड़ा कॉर्ड अब नीचे बचा है, इसमें हम नॉट्स लगाएंगे और प्लांट रखेंगे। सो अब हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो हमारे पास में 4, 4, 4 एंड 4, टोटल हमारी 4 स्ट्रिंग्स बनेंगी। तो सबसे पहले मैं 4 लूँगी और मैं यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगूँगी। ये पार्ट हमें थोड़ा सा छोड़ना होगा। अब सेम इसी लेंथ पे हमें और जो 3 हैं उसमें भी स्क्वायर नॉट लगाने हैं। अभी 4 पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4। अब ये फर्स्ट वाले को और सबसे लास्ट वाले को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आप इसको ऐसे बैक साइड में करिए, देन इसकी ये 2 कॉर्ड्स और इसकी ये 2 कॉर्ड्स, इसमें भी हम थोड़ा गैप छोड़कर यहाँ पे नॉट लगाएंगे। जो हमारे बाकी के हैं उनको भी हम ऐसे ही ज्वाइन करते जाएंगे। इन दोनों को लेंगे और इनको भी सेम उसी डिस्टेंस पे हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अगर आपने बेसिक वाला जो प्लांट हैंगर का ट्यूटोरियल देखा है तो आप इजीली समझ जाओगे कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ये लास्ट, तो हमारे सारे कनेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब ये बीच में स्पेस बन गया है, बस हमें अब नीचे यहाँ पर गैदरिंग नॉट लगानी है। तो उससे पहले आप पॉट रख के देख सकते हो कि आपके पॉट की लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसके हिसाब से आप नीचे गैदरिंग नॉट लगाओगे। सो अब हम आधा मीटर के करीब कॉर्ड लेंगे और नीचे यहाँ पर हम लगाएंगे गैदरिंग नॉट। आई होप आपको दिख रहा होगा। गैदरिंग नॉट लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसे लूप बनाना है और फिर इसको यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे राउंड करना है। फिर इसके बाद में ये जो लूप है इसमें से इसको ऐसे निकालना है और फिर इसको पकड़ के और इसको पकड़ के इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, लाइक दिस। देन ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है हम इसको कट कर देंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। फिर बस आपको नीचे से आप ऐसे इक्वल भी ले सकते हो या फिर ऊपर नीचे अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वैसे भी कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नीचे का पार्ट आप कैसा चाहते हो। आप नॉट्स भी लगा सकते हो सेपरेट सेपरेट। तो हमारा प्लांट हैंगर स्पाइरल रेडी है। अभी मैं आपको पॉट रख के दिखाती हूँ।
सो गाइज, मैंने इसमें देखिए ऐसे प्लांट हैंगर लगा दिया है और नीचे मैंने ऐसे नॉट्स लगाई हैं। पर्सनली मुझे मैक्रम के प्रोडक्ट्स में मुझे प्लांट हैंगर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि ये स्पेस सेविंग होते हैं। अगर आपका घर छोटा भी है तो आप अपने घर में ग्रीनरी रखने के लिए प्लांट हैंगर्स का यूज़ कर सकते हैं और आप इसको खुद बना सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो ये प्लांट हैंगर में मैं आर्टिफिशियल प्लांटर लगाने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ये जिस जगह लगाना है वहाँ पे, ये जो आप कर्टन देख रहे हो बैक साइड में, मुझे इन दो कर्टन्स के बीच में ही लगाना है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से अगर मैं रियल प्लांट्स लगाती हूँ और जो मिट्टी होती है वो मेरे पर्दों में लग जाए किसी भी वजह से, तो मैं इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगाने वाली हूँ।